हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीपर्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग ऑन टॉप। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके मैं आज बात करूंगी। यूट्यूब में करियर बनाना आज किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक में आज एक वीडियो बनाऊं। और हम सबका एक सपना है, वो है मोनेटाइजेशन। तो आज मैं बात करूंगी यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो नया रूल्स है उसके बारे में। ठीक है, लास्ट वीक मैं यूट्यूब के ऑफिस गई थी और उधर से ही मुझे इस रूल्स के बारे में पता चला है। सच में, ट्रस्ट मी। अरे नहीं नहीं, मैं जोक कर रही हूँ, ऐसे यूट्यूब ऑफिस में जाके पता लगाना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे मुझे पता चला है वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं बात करूंगी मोनेटाइजेशन का जो नया रूल है वो देख के। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब जब भी यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो मोनेटाइजेशन का जो रूल्स है वो हम लोगों को मोर ऑर लेस पता ही होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मेन जो दो रिक्वायरमेंट है वो दो है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इजी नहीं है। और ये जो क्राइटेरिया है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर तो भी हो जाता है, लेकिन ये 4000 वॉच टाइम, मतलब न्यू चैनल्स जो है उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कोई कोई तो डीमोटिवेटेड होके वीडियो बनाना भी छोड़ देते हैं। तो ये जो नया अपडेट है वो हम सब लोगों के लिए एक बेसिक के तरह है। कुछ कुछ चैनल है जो सिर्फ लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और कोई चैनल है जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो ही बनाते हैं, और कोई चैनल है जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो के ऊपर ही फोकस करते हैं। पुराना वाला रूल्स है, उससे क्या होता था, जो शॉर्ट वीडियोस का जो वॉच टाइम है वो मोनेटाइजेशन के टाइम काउंट नहीं होता था। उधर का लॉन्ग वीडियो से ही जो वॉच टाइम होता है वही मोनेटाइजेशन के टाइम काउंट होता है। इससे पहले मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप सब जो जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो लॉन्ग वीडियोस तो बनाओ ही, उसके साथ साथ जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें भी आप लोग फोकस करो। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस जो होता है वो शॉर्ट वीडियोस से क्या होता है, आपका जो चैनल है उस चैनल को बहुत ज्यादा रीच मिलता है। आपका वीडियो का जो अब रीच बढ़ेगा तो आपका चैनल का भी रीच बढ़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर जो है वो तो मैंडेटरी है इस न्यू रूल में भी, लेकिन उसके साथ साथ अगर 90 डेज में आप लोग शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन व्यूज लाते हो तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अभी आप लोग ये सोचेंगे, बाबा 10 मिलियन व्यूज में कहाँ से लाऊं? ट्रस्ट मी, मुश्किल नहीं है। नए चैनल के लिए ये मुश्किल नहीं है, आप लोग ये कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा, शॉर्ट वीडियोस जो है फ्रीक्वेंटली आपको डालना पड़ेगा। वैसे मेरा चैनल भी बहुत नया है, अभी 2 महीने भी नहीं हुआ है, फिर भी जो रीच मुझे मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ, ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक हेल्पफुल वीडियो होगा। तो आज के बाद से लॉन्ग वीडियो के साथ साथ जो जो शॉर्ट वीडियोस नहीं करते हो, शॉर्ट वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। किसको पता है आपका चैनल ये शॉर्ट वीडियो से ही मोनेटाइज हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। और एक बात है, मेरे चैनल में अगर कोई न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन टाटा।